अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्स लाइफस्टाइल से। आज हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल और आज है 1 जुलाई कनाडा डे, तो लॉन्ग वीकेंड भी था तो हमने सोचा कि चलिए सब फैमिलीज मिलके चलते हैं नायग्रा फॉल और वहाँ पे जाके फायरवर्क्स भी देखेंगे और बाकी की एक्टिविटी भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सुबह 9 बजे घर से निकले। नाश्ता हम लोगों ने, जब नायग्रा फॉल आने वाला था उससे पहले सेंट कैथरीन आता है वहाँ पर, हम लोगों ने टिम हॉर्टन से नाश्ता किया। सबकी डिफरेंट पसंद थी, किसी ने बेगल ले लिया, किसी ने मफन लिए, किसी ने कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए। खैर उसके बाद हमारी सीधा जो है रवानगी हो गई नायग्रा फॉल के लिए। तो अभी हम लोग नायग्रा फॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत मसला हो रहा था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। ना हमें $20 में पार्किंग मिली है, ना हमें VIP $40 में पार्किंग मिली है। तो 20 से 25 मिनट की वॉक की दूरी पे जाके वहाँ से हमारे हस्बैंड और बहन के हस्बैंड सब पार्किंग करके आए। तो बहुत ज़्यादा वॉक थी लेकिन हम लोगों ने ज़ाहिर फायरवर्क्स तो देखने थे तो फिर पार्किंग करनी पड़ी, क्योंकि ये आप देखें कितने ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग कहाँ मिलेगी। तो खैर उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो हम लोग गए थे वाइट वाटर पार्क, फिर उसके बाद हम एरो कार, ये लास्ट में मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हम लोग नायग्रा फॉल आए थे, लेकिन मैं आपको वो दो व्लॉग बाद में शेयर करूँगी। नायग्रा मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट कर दिया दिखाना। तो यह देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और बहुत अच्छा वेदर भी हो रहा था। हल्की हल्की बारिश शाम में हो गई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई। फिर वहाँ पे मैं लाइव भी गई कि आपको लाइव फायरवर्क दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ पे सिग्नल का इतना प्रॉब्लम था, शायद अमेरिका के बॉर्डर वगैरह करीब थे तो उसकी वजह से सिग्नल में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वीडियो मैंने 38 मिनट की लेकिन वो वीडियो सिर्फ 4 मिनट की रिकॉर्ड हुई क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रही है फॉल, कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ खास एक्टिविटी नहीं की, ना ही बच्चों ने जिप लाइनिंग की क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग नाइट गुजारें लेकिन खैर नहीं जा सके, रात का प्रोग्राम नहीं बन सका। किसी की जॉब थी नेक्स्ट डे पे लेकिन किसी की छुट्टी थी 3 दिन की, तो इसीलिए प्रोग्राम हमारा बस ऐसा ही हुआ कि हम लोग सुबह गए और शाम में आ गए। लेकिन नायग्रा फॉल इतना खूबसूरत है, उसके करीब इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि एक दिन जो है वो नाकाफ़ी है, एक दिन में आप बिल्कुल भी घूम फिर नहीं सकते। क्योंकि इसी नायग्रा फॉल की ये जो पूरी रोड है ना, इस पर आपको इतना कुछ मिलेगा ना, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी हैं कि ये आपके लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। तो ये देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग भी आए थे, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो कनाडा आता है वो तो नायग्रा फॉल मस्ट आता है क्योंकि नायग्रा फॉल घूमे बगैर चक्कर जो है वो अधूरा है। तो यहाँ पे फिर कॉफ़ी वगैरह ले ली, वो भी इतनी लंबी लंबी लाइन थी तो साथ साथ खाना पीना भी चलता रहा। तो बाकी ये देखिए आपके कितना ज़्यादा रश है, कितने लोग हैं और इंडियन पाकिस्तानी लोग तो बहुत ज़्यादा थे। फिर खैर हम लोगों ने दोपहर का टाइम हो गया, फिर पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा भी सिस्टर ने खिलाया, सबको ट्रीट दी। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे चिकन पिज़्ज़ा और चीज़ पिज़्ज़ा, वेजिस पिज़्ज़ा, वो हम लोगों ने 6 पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा लार्ज माशाल्लाह से ऑर्डर किए क्योंकि फैमिली हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, तीनों बहनों के हस्बैंड, फिर सबके बच्चे। तो मज़ा आता है ऐसे मिल के जाने का। तो इधर भी फायरवर्क के लिए फिर दोबारा आ गए। तो चलिए आप देखिए, इंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Oh, sorry.
फायर ख़त्म हो गया, वो मैंने लाइव आई हूँ। अगर रिकॉर्डेड होगी हो तो फिर आप देखना उस पर। तभी हमारी घर की तरफ वापसी है। Mm-hmm.